डियर स्टूडेंट्स वी स्टार्ट एंड वी स्टार्ट विथ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग मीनिंग 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 अकाउंटेंसी आपको बी कॉम में भी करना है सी ए में भी करना है और ये इंपॉर्टेंट है सो so, आज फाउंडेशन में मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड एंड ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एट वन गो एंड ट्रस्ट मी आई मेक इट वेरी इजी फॉर यू द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आई मेक इट वेरी 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 ईजी और समझना ज़रूरी है सो so, ये मीनिंग किसने दिया मीनिंग के लिए हम जा रहे हैं ए आई सी पी ए जैसे आप इंडिया में सी ए करते हो आई सी ए आई कराता है अगर आप अमेरिका में सी ए करना चाहते हो तो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट कहते हैं सो ए आई सी पी ए जिसे हम जानते हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स सो अकाउंटिंग का डेफिनेशन है और हम किससे ले रहे हैं इसका मतलब हम ए आई सी पी ए को सलाम करते हैं रिस्पेक्ट करते हैं सो वी रिस्पेक्ट ए आई सी पी ए एंड दे है फॉर्मुलेटेड अ डेफिनेशन एंड लेट्स गो थ्रू द डेफिनेशन सो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग वी नो वॉट रिकॉर्डिंग इज और किस चीज को रिकॉर्ड करते हैं क्लासीफाइंग ये भी हम समझ चुके हैं समराइजिंग ये भी हम समझ चुके हैं समराइज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में समराइज कहां करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में डेफिनेशन देख रहे हैं ध्यान से देखिए अकाउंटिंग इज द आर्ट सो प्लीज ये आर्ट है कहीं पर आप बोलोगे कि साइंस है साइंस भी है आर्ट भी है आर्ट का मतलब क्या है साइंस का मतलब क्या है मेरे ख्याल से ये अभी तक आपको पता है साइंस एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से काम करता है आर्ट मतलब क्या है इंसान अपने दिमाग को यूज करता है जैसे कि फूड कुकिंग ऑफ फूड इज साइंटिफिक बट इट इज आल्सो आर्टिस्टिक आप उसे कैसे डेकोरेट कर रहे हो ये आपके पर्सनल आर्ट का विषय है सो अकाउंटिंग इज द आर्ट सो वेयर इज द आर्ट द आर्ट इज इन द फॉर्मैट्स द फॉर्मैट्स ऑफ प्रेजेंटेशन दैट इज द आर्ट But the underlining principles, the principles through which we are trying to come to a conclusion that needs scientific temperament. So that is the science behind the art. So recording, classifying, summarizing. This is what we need what we do. Recording, classifying, summarizing. Agar yeteen shabdoko. Ek word me agar bolna ho teen Ek word me agar bolla ho mere dost to up safely. आप बहुत सेफली बोल सकते हो इस शब्द को दिस शब्द द शब्द इज मेजरिंग सो बेसिकली क्या कर रहे हैं आप यू आर ट्राइंग टू मेजर समथिंग सो वॉट आर वी मेजरिंग वी आर मेजरिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सो रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग समराइजिंग एंड हाउ डू यू डू इट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन पढ़ रहे हैं प्लीज हाउ डू वी डू इट ए एनी वे अरे मेरे को जैसा लगा मैंने किया तेरे को जैसा लगा तुम कर ऐसा कर सकते हैं क्या ऐसा नहीं करेंगे ऐसा करने से प्रॉब्लम आएगा इफ वन पर्सन गिव्स हिज रिकॉर्डिंग हिज ट्रांजैक्शंस टू फाइव डिफरेंट अकाउंटेंट्स एंड फाइव डिफरेंट अकाउंटेंट्स कम अप विथ फाइव डिफरेंट प्रॉफिट एंड लॉस तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सो so, कैसे करने का कैसे करने का इन अ सिग्निफिकेंट मैनर सिग्निफिकेंट मैनर क्रिकेटर अगर क्रिकेट खेल रहे हैं सो हर क्रिकेटर के पास एक स्टैंडर्डाइज बैट है क्रिकेट बैट ठीक है सो सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ मनी ओके और क्या चीज को सिग्निफिकेंट मैनर को रिकॉर्ड करेंगे क्लासिफाई करेंगे समराइज करेंगे क्या चीज को पैसे में करेंगे मगर क्या चीज को क्या 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 अरे भाई ट्रांजेक्शन को इवेंट्स को सो so बेसिकली जितना हम अभी आपको पढ़ा चुके हैं ए ए के डेफिनेशन के अनुसार ही पढ़ाए हैं सो ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स अब ये ट्रांजेक्शन और इवेंट आपके बहुत होनहार एम्प्लॉय जो 50 परसेंट कंपनी का सेल्स करता था वो आज कंपनी छोड़ के जा रहा है कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है बट क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है नहीं क्या हम इसे रिकॉर्ड करेंगे नहीं अरे सर मगर कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान है सर फिर भी नहीं रिकॉर्ड करेंगे सो किसे रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शंस को इवेंट्स को जो कुछ नहीं तो कम से कम कहीं पर भी थोड़ा सा पैसा का इन्वॉल्वमेंट हो थोड़ा सा दो करोड़ रुपया में सामान बेचना था मगर शाहरुख खान साहब को हमने सिर्फ बीस लाख में दिया बीस लाख दिया दस परसेंट बट पैसा आ रहा है ठीक है सो पैसा आना चाहिए लिखा है विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर सो फाइनेंशियल कैरेक्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए और क्या सिर्फ क्लासिफाई कर दिया समराइज कर दिया काम खत्म नहीं जी काम खत्म नहीं हो रहा है उससे इंटरप्रेट भी करेंगे इंटरप्रेट किसे करेंगे किसे करेंगे ध्यान से देखो मेरे दोस्त ये का यही मैजिक है अगर आप डेफिनेशन का मतलब यह है कि बहुत बड़ा मीनिंग को दो लाइन में समझाना और एक टीचर का, का काम यही है कि उस दो लाइन को वापस से बड़ा करके आपको समझाएं सो रिजल्ट्स प्लीज ध्यान दो दोस्तों रिजल्ट्स का मतलब क्या है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें रिजल्ट्स देखते हैं रिजल्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं रिजल्ट्स को हम लोग इवेंट्स भी कहते हैं क्या ये बात आपको समझ में आ रही है नहीं आने की तो बात ही नहीं है सर आप इतना आराम से पढ़ा रहे धीरे धीरे पढ़ा रहे समझा के बढ़ा रहे हो सर यू आर इंटरेस्टिंग यूर गुड ठीक है मेरी तारीफ मत करो बहुत लोग करते हैं कुछ नया बोलो ठीक है सो इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ सो इतना कुछ करने का मतलब है अकाउंटिंग का डेफिनेशन आप समझ चुके हो बट आगे हम देखेंगे कि इस डेफिनेशन पे एक चीज़ का मिसिंग है अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया है आपने इंटरप्रेट कर दिया ठीक है जी आज के जमाने में आपके कंपनी में आज को पता ना शेयर्स होता है शेयर्स बहुत लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं बहुत लोग सो किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस को जानने का अधिकार उन लोगों को है जो इन्वेस्टर है सो इन्वेस्टर जानना चाहते हैं अरे भाई कैसा काम किए हो रिजल्ट्स बताओ अब धोनी कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया रिजल्ट्स मिलता है इतना मैच खेला इतना रन बनाया Right? So, उसी प्रकार से जब आपने काम कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया सब कुछ कर लिया तो फाइनल एक काम बाकी रह जाता है जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन सो कम्युनिकेशन हमने पढ़ा है इंटरनल कम्युनिकेशन भी होता है कंपनी के जो इंटरनल लोग हैं, और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी होता है ये हम डिटेल में देखेंगे या देख चुके हैं ये आपको पता है सो 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 अब हम देख रहे हैं इस डेफिनेशन के हिसाब से एक रिकॉर्ड कीपिंग बोल रहे हैं रिकॉर्ड कीपिंग सो so, रिकॉर्ड कीपिंग तो हम समझ चुके हैं जर्नलाइज करना है रिकॉर्ड बनाना है और क्या कह रहे हैं पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को हाँ जी ये तो हम समझ चुके हैं और जो फाइनेंशियल कैरेक्टर अरे सर रिपीट हो रहा है अरे भाई मेरे को पता है रिपीट हो रहा है आई नो इट बट प्लीज़ समझ लो एक बार एंड देन द रिकडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अब मैंने कुछ येलो में हाईलाइट कर रखा मैं सिर्फ वही लाइन्स पढ़ रहा हूँ जिससे आपका टाइम बचे सो so, रिकॉर्डिंग जो है वो जर्नल बुक में करते हैं या सबसिडरी बुक्स में करते हैं और इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी बुक्स ये सब मैंने आपको लेक्चर वन में पढ़ाया था अभी अभी मैंने आपको कहा कि कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है तो ये पूरा पैराग्राफ बेसिकली वही बताने का चेष्टा कर रहा है तुम पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे तो प्राइमरी बुक्स में हमने रिकॉर्ड किया उसके बाद हम सेकेंडरी बुक्स में पहुंचते हैं सेकेंडरी बुक्स को हम लेजर कहते हैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को हम क्लासीफाई करते हैं क्लासीफाई किस रूप में करते हैं क्लासीफाई इनकम है एक्सपेंस है एसेट है या लाइबिलिटीज़ है सो चार जगह क्लासीफाई होता है मेरे दोस्त भूलने का नहीं है इनकम है एक्सपेंस है एसेट है या लाइबिलिटी है कहने का मतलब है कि जो भी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुआ है ये ट्रांजैक्शन क्या है ये ट्रांजैक्शन इनकम है अगर पैसा आया भैया माल बेचा था पैसा है इनकम है खर्चा है एसेट है या लाइबिलिटी है एसेट एंड लाइबिलिटी को मैं आपको बार बार एक चीज समझाने का कोशिश कर रहा हूँ जो पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड जनरली हम अकाउंटिंग पीरियड एक साल का रखते हैं सो so, एक साल के आगे का कुछ बेनिफिट है तो वो एसेट है एक साल के बाद का कुछ देना है देनदारी है तो लाइबिलिटी है आगे हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे समझेंगे समझाएंगे, मज़ा करेंगे आप रिलैक्स होकर बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिए ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं बनाएंगे पंद्रह से बीस मिनट का पंद्रह से बीस मिनट डेली प्यार से ध्यान से विश्वास के साथ सुनिए चैम्पियन बन जाइए सो so, क्लासिफाई कर दिया उसके बाद हम समराइज़ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में तो यहाँ तक बात एकदम क्लियर है और जो हम मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का जो बात कर रहे हैं पैसे में करना है तो इंडिया में अगर है तो वो रूपी में होगा बाहर में अगर काम करते हैं तो डॉलर में होगा तो ये सब बात यहाँ पर है तो ये चीज़ समझ चुके हैं छोड़ सकते हैं और अकाउंटिंग फंक्शन जो है प्रेजेंट डे अकाउंटिंग फंक्शन में कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट सो सिर्फ इंटरप्रेट करने से काम नहीं चलेगा जी तो काम क्या करना पड़ेगा कम्युनिकेट करना पड़ेगा सो यहाँ देखिए सो कम्युनिकेट करना पड़ेगा और कम्युनिकेट क्यों करेंगे सो कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग इन्फॉर्म जजमेंट प्लीज ध्यान दीजिएगा जजमेंट इंपॉर्टेंट ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है इसके बारे में जानने का अधिकार है स्टेक होल्डर्स को क्लास टेन में कॉमर्स में आपने स्टेक होल्डर्स पढ़ा था अगर नहीं पढ़ा है, तो मेरा लेक्चर यूट्यूब में है जाके देख लो सो इन्फॉर्म जजमेंट स्टेक होल्डर्स करेंगे स्टेक होल्डर्स कौन कौन व्यक्ति है इन्वेस्टर स्टेक होल्डर है एम्प्लॉज स्टेक होल्डर है सप्लायर स्टेक होल्डर है गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए जीएसटी दे दे बा जीएसटी सो इनफॉर्म जजमेंट सो ये अब अकाउंटिंग का हिस्सा हो गया है अब डेफिनेशन चेंज हो गया अब अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन 1966 में कुछ एक नया डेफिनेशन लेकर आई है सो डेफिनेशन यही है मेरे भाई कि सब चीज को हमने इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन बना दिया सो so, आइडेंटिफाइंग पहले आइडेंटिफाई करेंगे ये बात एकदम क्लियर है अब देखो ये नया वर्ड आ गया मेजरिंग सो मेजरिंग का मतलब मैंने आपको समझा दिया था देखो स्टूडेंट्स बोलते हैं सर इतने सारे डेफिनेशन हैं कौन सा डेफिनेशन याद करें राइट right? बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि डेफिनेशन वही है शब्द को चेंज कर रहे हैं और रटने वाले बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं बट हम रटने वाले स्टूडेंट्स नहीं हैं हम प्यार से चीज़ों को समझेंगे सो so, मेजरिंग का मतलब क्या है मेजरिंग का मतलब क्या है रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग समराइजिंग इसका मतलब है मेजरिंग अल्टीमेटली क्या मेजर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट तक पहुँच रहे हैं ना हम राइट right? तो किसी भी कंपनी का पोजिशन को मेजर कर रहे हैं कि कितना मुनाफा किया तो मेजरिंग आने के लिए प्रॉफिट एंड एंड लॉस बैलेंस शीट तक पहुंचेंगे और प्रॉफिट एंड एंड लॉस बैलेंस तक पहुंचने के लिए रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग करना होगा और ये सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि भैया ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या इवेंट है देखो मैं एक ही चीज को बार 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 बोल रहा हूं जिससे दिमाग में आपका सेट हो जाए फाउंडेशन में आपका अकाउंटेंसी का बुद्धि सेट हो जाना चाहिए क्योंकि दिस विल हेल्प यू इन इंटरमीडिएट एज वेल एज इन फाइनल्स सो ये मेरा फर्ज़ है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से फाउंडेशन बिल्डअप करो कोई भी बड़ा से बड़ा इमारत फाउंडेशन पर टिका रहता है सो प्लीज़ पेशेंस रखिए आई कैन अंडरस्टैंड कि यू माइट लूज सम पेशेंस क्योंकि इतने डिटेल में थ्योरी पढ़ाने वाला टीचर इंडिया में है नहीं थ्योरी को हम इग्नोर करते हैं और यही प्रॉब्लम है कि प्रैक्टिकल्स में हम बार 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 सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को हम कर रहे हैं और बेवकूफ बन रहे हैं बेवकूफ नहीं बनना है थ्योरी को प्लीज हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं मेरे दोस्त अच्छे से समझो ठीक है आपको बहुत फायदा होगा और एज ए टीचर मेरे को भी फायदा होगा क्योंकि आगे चल के एफर्ट हम दोनों का बहुत कम हो जाएगा सो so, प्लीज ध्यान से सुनो सो इनफॉर्म जजमेंट हम ले सकते हैं तो ये भी हो गया अब 1970 1970 में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोर्ड ऑफ

रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग बोल सकते हो मेजरिंग बोल सकते क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन बोल सकते हो तो ये सब कुछ एक है प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्राइमरी ऑफ फाइनेंशियल नेचर अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज अब देखो अभी तक हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी सो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कर रहा है भाई ऑफकोर्स इकोनॉमिक एंटिटीज कर रहे हैं तो कोरिलेशन है हर एक डेफिनेशन में कोरिलेशन है एंड दैट इज नीडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन अभी तक इन्फॉर्म जजमेंट इन्फॉर्म जजमेंट का बात कर रहे हैं यहां इकोनॉमिक डिसीजन का बात कर रहे हैं शब्द चेंज हो रहा है मीनिंग वही का वही है फाइनली बोल रहे हैं थर्स अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस अब प्रोसेस का जब हम बात करते हैं प्रोसेस जब हम ये वर्ड प्रोसेस वर्ड यूज करते हैं सो प्रोसेस वर्ड यूज करने का मतलब है स्टार्टिंग से लेकर भैया एक एक स्टेप बाय स्टेप बताओ तो स्टेप बाय स्टेप है रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग के यहां तक मामला खत्म होता नहीं जी उसके बाद हम एनालाइज करते हैं इंटरप्रेट भी करते हैं और क्या इंटरप्रेट करके चुपचाप बैठ जाते हैं? नहीं नहीं कम्युनिकेट भी करते हैं भाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड कम्युनिकेटिंग सो नया शब्द आ गया कम्युनिकेटिंग 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 द रिजल्ट देर ऑफ टू द पर्सन इंटरेस्टेड इन सच इन्फॉर्मेशन अब ये कौन इंटरेस्टेड होते हैं कुछ इंटरनल लोग इंटरेस्टेड होते हैं कुछ एक्सटर्नल लोग इंटरेस्टेड होते हैं सो so, मेरे ख्याल से ये अकाउंटिंग का डेफिनेशन हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है